सुनिए चलिए ना चलते हैं। देवी मात की जय। लाइए। स्टार्थ सिद्धि अस्तु। और कितने दिनों तक चलेगी आपकी मन्नत? मन के शुद्ध होने तक, कार्य के सिद्ध होने तक। आप ही है ना सर बाहर वो चप्पल? हाँ यही है, टीआर फूड्स कंपनी के मालिक श्री राम जी। हमारे घर में आपकी कंपनी का ही मसाला यूज करते हैं हम। धन्यवाद। इतने बड़े आदमी होकर इस तरह? कैसा बड़ा आदमी, भगवान की इस जमीन पर छोटे बड़े सभी बराबर है। आइए जजमान, पूजा के लिए करिए ना, नाम जानते ही हैं, तारक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं सुभांग। हैप्पी बर्थडे तारक। अरे हर साल अपने जन्मदिन पे कहाँ गायब हो जाता है यार। हाँ दादाजी। तारक, जन्मदिन का शुभाशीष बेटा। थैंक यू दादाजी। बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम्हें फोन करके कुछ बातें करना चाहता था। मैं जरा बिजी। मुझे था। पता है तुम्हें बहुत लोग फोन करते होंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है जो मुझे करना है। जानता हूँ दादाजी, इस साल मैं इंडिया आऊंगा या नहीं, यही ना मेरा भी वही जवाब है, नहीं आऊंगा। बेटा आज का दिन तो बहुत शुभ है और तुम मुझे कोई शुभ समाचार दोगे, यही सोच रहा था। अगर ऐसा है तो अपनी एक फोटो भेज देता हूँ। फोटो में उसी आदमी को देखना चाहिए जो दूर रहता हो, मैं तो तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ। थोड़ा मुश्किल है दादाजी। अरे अरे मुश्किल है तो रहने दो बेटा, मैं एक साल और इंतजार कर लूंगा। क्या करूं बेटा, जब तुम 8 साल के थे तभी देखा था, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए होगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ आइए। एक मंजिल चढ़ने में ही डर लगता है, चक्कर आते हैं, और आसमान में उड़कर मैं आ पाऊंगा क्या? नहीं होगा। इस तरह आने में मैं जिंदा रहूंगा इसका मुझे भरोसा नहीं है। दादाजी कैसे समझाऊं आपको, आप ही समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा न कभी कोई था और न कोई है। ये दादाजी भी ना, अब बोलो। सब बड़े हो गए और बदल गए, पर ये दादाजी अभी वैसे के वैसे ही हैं। हाँ बेटा, सब कुछ बदल सकता है लेकिन भावनाएं और संबंध कभी नहीं बदलते। आप भी शुरू हो गई, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम्हारे दादा मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए भगवान के समान हैं। उस भगवान को देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन भगवान अपने प्यारे भक्त को ढूंढते हैं ऐसा लोग कहते हैं। अपने दादा के लिए तुम वैसे ही। मेरे लिए वो सिर्फ दादाजी हैं, भगवान तो आप। तू हमेशा मेरा मुंह ऐसे ही बंद करता है। लुक,
तुमने मुझे अपना सारा प्यार दिया, एक माँ का सम्मान दिया, विदेश में कैसे जीते हैं वो भी सिखाया, मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश ऑल्सो यू टीच, मगर मैं इंडियन हूँ ये भूल गया है मैं। मुझे भगवान बना दिया है पर ये मंदिर नहीं है ना। सुबह शाम घर में दिया जलाने के लिए एक लड़की तो चाहिए ना। इतना ही ना? हाँ। ओके डन। सच में 101% सरला बेबी। मैं जाकर रेडी होता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप नहीं जानती क्या? ओ जानती हूँ। जा। कौन हो बेटी तुम? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना। आओ बेटी। मैं पहले तुम अंदर तो चलो। आओ आओ। कहा मुझे पढ़ने के लिए जाना है, मान गया। फिर कहा मुझे वहां काम करना है, वो भी मैंने मान लिया। मैं लक्ष्मी की शादी तुमसे करवाने का वादा कर चुका था, यह तुम्हें भी पता था। और अब हमारी संस्कृति ना जानने वाली लड़की को यहां पर ले आए हो। मैं आपकी सारी भावनाएं, संस्कृति सब कुछ जानती हूं। मुझे एक मौका दीजिए। ऐसा नहीं होगा। ये मेरा अपना खून है, मेरा वंश है, ये तुम्हें इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। अगर वो रहना चाहता है तो रख लीजिए। हे 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 माँ, पापा आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मेरी बर्थडे पार्टी कैसे होगी? क्या हुआ जी? पिताजी हमारे प्यार को कभी नहीं मानेंगे, इस प्यार और परिवार के मामले में कभी नहीं फंसना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। हे, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार, फैमिली दोनों इम्पोर्टेंट है, बट दोनों साथ निभाना मुश्किल है। मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आता हूँ। मैं भी आती हूँ। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। वैसे आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? वो क्यों? ऐसे गाइस, यू शुड नॉट कम अलोन लाइक दिस विदाउट एनीवन्स हेल्प। व्हाई? वी आर नॉट किड्स।
ठीक है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पेरेंट्स को यहाँ दफनाया गया है, इसीलिए मैं यहाँ डेली आता हूँ। वाओ, दैट्स कूल। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। कहाँ के हो? मैसूर, हेरिटेज सिटी। तुम्हारा नाम? तारक। शादी हो गई है क्या? नहीं। वेट, मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। अब तुम मिल गए हो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कोई अपनी माँ को इतना प्यार करता है तो अपनी बीवी को कितना प्यार करेगा? ये भी आपकी माँ ने कहा था क्या? थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। यस यस यस। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं पैसा ना, मैं जानती हूँ तुम जैसों के कपड़े अच्छे रहते हैं पर नीयत बुरी। Am I right? Yeah, yeah. Hello? Mental care? किसे फोन कर रहे हो? I think you need medical help. Shut up! What do you think of me? Get up देखकर character decide कर लिया? मेरी माँ को गाना पसंद था, इसलिए गा रही थी। और आज flowers day है, इसलिए ये flowers. तुम और तुम्हारा ये हाल, there is something wrong. मैं पैदा यही इसी देश में हुई हूँ, but I am a true Indian. मेरी वेस्टर्न क्लोथ्स में भी कुछ न कुछ इंडियन टच जरूर होगा। आई जस्ट लव इंडिया। बाय द वे हैंडसम, कम लेट्स टेक अ सेल्फी। व्हाट नॉनसेंस, हमारी मुलाकात ऐसी जगह पर हुई है। अब भूतों की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो हाथ छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। दिस इज टू मच। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो? अरे रुको, ए रुक जा, ए आई एम आस्किंग यू। तारक, अरे रुक जा, कहाँ जा रही हो? रुको, वेयर इज मिस्टर तारक? तारक को छोड़ो, व्हाट डू यू वांट? वी आर हियर टू लाइट अ लैम्प, वेयर इज तारक? तारक कहाँ हो? जल्दी आ जाओ बेटा। तारक, हाय गर्ल्स। बताओ ये भूतनी आखिर कौन है? अरे दिया जलाने के लिए लड़की चाहिए थी ना आपको, मैंने इनको बुला लिया है, आपको जो चाहिए सिलेक्ट कीजिए। वेयर इज द लैम्प? मैं दिखाती हूँ। ये लड़कियाँ दिया जलाने नहीं घर जलाने आई हैं। अरे साला, अरे एक एक की शक्लें देख, इतनी हिम्मत तुम लोगों की? फिर से इस घर में पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। इन्हें इससे मारना जरूरी था क्या? अगर इंडिया होता तो झाड़ू से मारती, ये फॉरेन है इसलिए वैक्यूम क्लीनर से मार रही थी। रुको, तुम्हें जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है क्या? मैं इस घर के लिए बहुत मांग रही हूँ। सरला बेबी, आपके लिए मैं और मेरे लिए आप, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इतना ही काफी है। ऐसे ही रहोगे, शादी नहीं करोगे? देखिए ये शादी फैमिली टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप ये शादी का सपना छोड़ दीजिए। जा जा, तुझे सुधारने वाली लड़की भगवान ने तैयार रखी होगी। Help me, help me, help me. तुम? तुम? हाँ, please help me. वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो, please, 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 कौन please. है? पता नहीं, चार लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो लोग मुझे मार ही डालेंगे। प्लीज, ठीक है, देखते हैं कौन है। अगर मुझे है? कुछ हुआ तो मेरी माँ भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके। तुम्हारा नाम क्या है? तारक। तारक फ्रॉम मैसूर, द हेरिटेज सिटी। ए, मैसूर में तुमने मैसूर मसाला डोसा और बाकी फेमस बिरयानी खाई है? एक्चुअली वैसे तो हम मैसूर से हैं, लेकिन कई साल पहले हम लोगों की फैमिली बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। बेंगलुरु? बेंगलुरु में सीटीआर मसाला डोसा, वीवीपुरम चाट, बंचक की बिरयानी, नैना होटल का वो फेमस। Stop it. मुझे इंडिया गए 22 साल हो गए। What? 6 महीने में एक बार इंडिया जाकर इन सब चीजों को खाकर मजा उठाना ही चाहिए। तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना नहीं आता तारक। वैसे वो लोग जो तुम्हें फॉलो कर रहे थे वो गए कहाँ? अब उन लोगों की क्या जरूरत, अब हम दोनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाकर मजे करते हैं। ओ
नीचे उतरो। नो वे, एक सेल्फी खींचने दोगे तभी जाऊंगी। सेल्फी खींच ली तो उसके बाद कभी परेशान नहीं करोगी? नो, नेवर। ठीक है तो चलो। कम कम ए, कम कम कम। बाय तारक। तारक हे तारक, तुमसे मिलने एक्सेल स्पोर्ट्स कंपनी का मैनेजमेंट आया है। बॉबी, मैं किसी भी स्पोर्ट्स कंपनी से कोई मीटिंग नहीं करता, ये तुम जानते हो ना। सॉरी कह देना उनसे। इस बार तुम ही जाकर बोल दो। वो क्या है कि खूबसूरत लड़कियों को ना बोलना मुझे पसंद नहीं है, समझे? ए, ए बॉबी एक मिनट। क्या बात है? अजीब से कपड़े पहनती है और थोड़ी सी मेंटल लगती है। ए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल डिसेंट लग रही है। अरे वो तो संस्कारी लड़की की तरह साड़ी पहनकर आई है। ठीक है, अंदर भेज उसे। ओके। आइए। नमस्ते। प्लीज बैठिए ना, यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। Do you have a twin sister? No, no. वो मैं ही हूँ और मैं ही वो हूँ। Out. Please out. ये ऑफिस है, आप यहाँ के बॉस हैं और मैं यहाँ पर मजाक करने नहीं आई हूँ। I have a proposal for you. No, I don't like you. ये proposal शादी का नहीं है। आप fantastic sportsman हैं और मैं आपको famous करना चाहती हूँ, बस इतना ही। You are a successful businessman too. It's a very rare combination. Sorry. Ads, endorsements, ये मेरा स्टाइल नहीं है। ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कंपनी है, मैंने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है। एंड दिस इज माई फर्स्ट असाइनमेंट। आप भी इंडिया के हैं और मैं भी इंडिया की ही हूँ, आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे? आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। थैंक यू। बाय बॉबी, आई विश यू वर अ स्पोर्ट्स पर्सन। जरूर मैडम। अब यकीन नहीं हो रहा, बहुत चालू लड़की है ये। बहुत गलत किया तारक, इतनी खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ दिया तूने। चल जा। बॉबी, मैंने कहा था ना ये पागल है। बॉबी क्यों बे, प्यार से बोल रही हूँ तो नहीं मानेगा क्या? दो मिनट में अंदर का शैतान जाग गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हे तेरी तो। ओके बाय। एक इंडियन होने के नाते दूसरे इंडियन को हेल्प करने के लिए मैं साइन कर रहा हूँ। अब ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान नहीं देख पाए इसलिए साइन किया। आउट। थैंक यू तारक। या कल फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, किसी डमी को शूट करने से अच्छा है तुम ही आ जाओ ना। स्माइल, से चीज, परफेक्ट, कैप्चर इट। एक्शन शूट और भी परफेक्ट होगा। सुपर। परेशानी हो रही है? हाँ बहुत। ओके बाय। ऑसम। मैं फोटोज भेज दूंगी। हाय तारक। हाय। हाय। अभी फोटो शूट खत्म हुआ, इसने फोटोज भी भेज दिए। जरा एक मिनट दिखाना मुझे। अरे तुमने फर्स्ट टाइम फोटो शूट किया है ना, इसे बड़े स्क्रीन पे देखने में मजा आएगा। ए, ए, अरे रुक, मेरी बात तो सुन। लेट्स प्ले। क्या है ये बॉस? हाय तारक। मैंने तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए तो मना कर दिया। देखो मैंने कितनी सारी फोटोज ले ली। कम ऑन गाइस।
Disgusting. हाँ? Very cheap mentality. अपना समाज के मदद करना ही गलत है. तुमने किसकी मदद की तारक? कोई लड़की थी सरला जी, इंडियन समाज की मदद कर दी. अपने देश वालों पर गुस्सा मत करो. पहले ही इस देश में हमारे लोग बहुत कम हैं. Sometimes mistakes happen बेटा. And सब लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं. ओहो, ऐसे अच्छे लोगों को आपने कहाँ देखा है? सुपरमार्केट में, अपने देशवासी. What a beauty, what a behavior. और आपका उसे अपने साथ घर लेकर आने का मन नहीं किया? गर्मा गर्म चाय तैयार है. मैं जानता था कि तुम ही आई होगी. सरला, तुम इसके बारे में नहीं जानती. यही है ना, तो फिर मैं जान लूंगी. सबसे पहले चाय पी लो, प्यार से बनाई है. तो मेरे सर पे डाल दो और बची उनके सर पे. तारक, हाँ? इसे नीचे रखो. आई से कीप इट डाउन. चलो बाहर निकलो. हाँ? नहीं बेटा, अरे सरला, बेटा, नहीं जानती. इतना टाइम हो गया, अब तक दिया नहीं जलाया. देख रहा है ना? अब ठीक है ना सासू माँ? हाँ? सासू माँ कह रही है. मर गया तारक. सुपरमार्केट में इसे क्या क्या बोला है? मैंने क्या बोला? आपने शादी नहीं की तो क्या वो भी नहीं करेगा? ऐसा वो कहता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगी. घर में दिया जलाने के लिए एक सुंदर सी लड़की चाहिए, ऐसी जिद मैंने ठान ली है. इसका मतलब वो आइडिया इसे आपसे मिला है. ए, चल सासू माँ. निकल, निकल यहाँ से, निकल. हाँ छोड़ो. सॉरी, अब जाओ. ए, 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 क्या कर रही हो? आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच. तुम पागल हो क्या? अभी मिलकर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? नहीं नहीं, सच में तुम्हें पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया था. एंड आई हैव माय रीजंस टू. तुम एक दिन भी मिस किए बिना अपने मॉम डैड से मिलने जाते हो. दैट शोज लव एंड रिस्पेक्ट. एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तुम आखिर तक कैसे फाइट करते हो मैंने ये भी देखा है. दैट शोज कमिटमेंट. प्यार करने के लिए इतनी क्वालिटीज काफी हैं. हेलो, मैंने अपनी लाइफ में ना एक बाउंड्री डाल रखी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. एक लास्ट रिक्वेस्ट. नो. प्लीज ना मत कहना, जस्ट वन डेट मिस्टर तारक राम. ये नाम तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे फुल नेम में तुम्हारे दादाजी का नाम लगता है, तारक राम. इट्स रियली नाइस. तुम्हारे घर में जो दिया जलाने वाली है, उस लड़की का जाति, नाम, गोत्र नहीं पूछोगे? अरे सरला, जस्ट वन डेट. उसके बाद अगर तुमने अपना डिसीजन नहीं बदला तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी. नो, इम्पॉसिबल. क्यों, मेरी ब्यूटी से टेम्प्ट हो जाओगे, ऐसा डर है क्या तुम्हें? मैं वैसा मर्द नहीं हूँ. इसलिए तो पूछ रही हूँ. हिम्मत है तो मान जाओ. डेट खत्म होने के बाद तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगी, ये मैं कैसे मान लूँ? मानना ही पड़ेगा. What? This car is very special to me. ये मेरी मॉम की कार है. Nice car. अच्छा वैसे लाइफ में तुम करना क्या चाहती हो? मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनके पैसों को खर्च करके एंजॉय करना चाहती हूँ. तुमने डेट कहा था ना, कहाँ जा रहे हो? डेट मेरी, डे भी मेरा, और डिस्कशन प्लस डेस्टिनेशन भी मेरा. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो. यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये ओल्ड एज होम है, यहाँ हमेशा आती रहती हूँ. वन मिनट, वेट. और ये वहां दिख रहा है ना, उस स्पेशल कपल के लिए. तारा कम. हैप्पी एनिवर्सरी गाइस. 50 years you're together. We are not in the right Why state not of happy? mind. Don't celebrate. Dominic, he's not Dominic, here. I'll get him here. Don't be sad. It's your 50th anniversary. No. Don't force us, please. But I... Don't force please. us. Please. Please, go, Meera.
आज उनकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी है। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा साथ। इनका कोई भी नहीं है, सिर्फ एक पोते के सिवाय। उसने भी ड्रग्स ले लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मगर ये दोनों उसे आज तक भुला नहीं पाए हैं। लास्ट टाइम मैंने उसे यहीं पर देखा था। What are you doing here? I'm looking for this boy. Sorry, boss. You can't make it. I'm sure I'll make it. Here, trespassers will be punished or finished. Hey! Where's the boy? Dominic, your grandparents are waiting. Come with me. No. You better come with me. I'm not coming. I'm telling you. Leave me alone. Don't stop me. Hey, who are you? Go away. Hey. Yay! Here's Dominic. Oh, Dominic, you're here. कैसी थी डेट? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच कर बताना, कल बता देना। ओके। एक और बात, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें ही बच्चा अडॉप्ट करना है ऐसा नहीं है। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे भी ओल्ड एज होम से पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय। तारक, What, सरला बेबी? कल तू मीरा के साथ गया था ना, क्या हुआ, कुछ तय किया तूने? पता नहीं वो कहां से आई है, पर यहां फिक्स हो गई है। जाके बात करता हूं उससे। बाय। ओके बाय। हाय हाय तारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।
I'm sorry. Indian Association में Independence Day celebration था, इसलिए लेट हो गई. बैठो. ये government का school है, free education मिलता है. ये one of the best private school. यहाँ 7,000 euros per year. ये और भी better private school है. यहाँ 14,000 per year. और लड़का हुआ तो तुम्हारे जैसे sports person बनेगा. और लड़की हुई तो obviously मेरी तरह music में interested होगी. So which school do you prefer? ये सब कुछ तुम क्यों decide कर रही हो? ओहो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो. और तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम ये बात accept करते हो. और इसके बाद क्या? शादी, घूमना फिरना, बच्चे, future plans और क्या? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है. हमारा तो दोस्त बने रहना भी मुश्किल है. But still, I can manage. लेकिन लव, शादी, I'm extremely sorry मीरा. मैं तुम्हारे साथ डेट पर इसलिए गया था ताकि इस प्यार व्यार को वहीं फुल स्टॉप लगा दूं. लेकिन इसके बावजूद अगर तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर करोगे, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी मीरा. आई एम नॉट दैट पर्सन. पता था तुम्हारे दिल में इन चीजों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि इन चीजों की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है. इन सब चीजों को समझने के लिए तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है. मीरा, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ये बात किसी करीबी ने आज तक नहीं बताई ना? Because they all have some limitations and obligations. This is too much. Don't raise your voice. तुम्हारा दिल तुम्हारे स्पोर्ट्स की तरह ही रफ है. तुम्हारी लाइफ तुम्हारी कंपनी के लोगो जैसी ब्लैक एंड व्हाइट है, जिस पर कोई कलर चढ़ना मुमकिन ही नहीं है. यू नो व्हाट, आज इंडिपेंडेंस डे है, सबको आजादी मिलने वाला दिन. पर तुम ना अपनी बनाई हुई बाउंड्री से कभी आजाद नहीं हो पाओगे. मेरे हिसाब से यू जस्ट एन एनिमल, क्योंकि इंसान तो तुम हो नहीं सकते. सेम क्लोथ्स. इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में वो मेरे ही साथ थी. आई डोंट वांट टू लूज यू मीरा. इतना ही कहना है. आई लव यू मीरा. आई लव यू. Right now.
सरला, मीरा ने तुम्हें फोन किया था? नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। हमारे घर में तारक नाम का एक लड़का था, वो प्यार शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो भी अचानक कहीं गायब हो गया है। तुमने उसे कहीं देखा है क्या? सरला अरे मजाक कर रही हूँ। नाश्ता? बाहर कुछ खा लूंगा। ओके। Here to take the call. Please leave your message. Have you people seen Meera? Meera? Meera has not come here. Oh. तारक। ए, तारक, तारक, लिसन, तारक, तारक, लिसन टू मी प्लीज, तारक, लिसन टू मी। इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी तुम? ये कितना टेंशन में था और अब तुझे क्या हो गया है? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या इसमें? कोई इसका इंतजार कर रहा है, कम से कम बाय बोल के तो चली जाती। वही तो बताने आई हूँ। ये लो वेडिंग कार्ड। अरे अरे अरे, तुम इसे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? इतने दिनों से प्यार प्यार करके परेशान करती रही और अब शादी का कार्ड दोगी तो और क्या करूंगा? ये कार्ड किसका है देखा तुमने? ये तो तुम्हारा नहीं है। हर चीज की जल्दबाजी और गुस्सा। देखो मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज क्या है ये सब? ओके, शॉर्ट एंड स्वीट में एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे डैड डॉक्टर चंद्रमोहन तुम्हें मिलवाया था, मेरी मॉम लक्ष्मी, अलग अलग जाति के थे, प्यार हो गया, प्यार करके शादी भी कर ली। प्यार करने वालों के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। ताजमहल की तरह एक और महल बनाना चाहते थे। 6 महीने पहले मॉम कैंसर की वजह से चल बसी। मॉम के बिना डैड अपनी लाइफ कैसे जी पाएंगे ये बात परेशान करती थी। मगर 2 हफ्ते पहले डैड ने आकर मुझसे कहा, आई एम फीलिंग लोनली, तुम भी जल्दी ही तारक से शादी करके चली जाओगी, इसलिए तुम्हारी मॉम की क्लोज फ्रेंड शारदा, शी इज आल्सो अ विडो, तुम उसे जानती हो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगा। वैसे आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ये सच मुझे पता था, पर प्यार को भूलना भी आसान नहीं होता। लेकिन मॉम के साथ 25 साल गुजारने के बाद भी डैड इतनी आसानी से भूल गए, वो भी किसी और के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं होता तारक। हर कोई तुम्हारे पिता जैसा नहीं होता मीरा। ये सब मुझे नहीं पता, जो दिखता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, बस वही सच है। स्टॉप इट मीरा, अब तुम क्या करना चाहती हो? मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, आई लव यू फॉरएवर, ये सब कुछ झूठ है। उस दिन जब तुम मुझसे मिली थी तो प्यार और दिल ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उस दिन वो सही था और आज ये सही है। ये प्यार, भरोसा, इसकी क्या गारंटी? मेरा इन सब पर से भरोसा उठ गया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चलती हूँ। क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? मीरा, कैसे साबित करूं मेरा प्यार? हाँ? कोई जरूरत नहीं है, मेरे डैड की तरह तुम भी मुझे भूल जाओगे। It's impossible, मीरा। It is possible. सरला जी, आप तो इसे समझाइए ना। मेरी बात सुनो बेटी। हमारे मामले में किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मेरी जिद के बारे में तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया तो बस। ठीक है, अगर मुझे तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाना है तो मुझे क्या करना होगा? तुम थोड़े दिनों के लिए मुझसे दूर रहो। कितने दिनों तक? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिनों तक? 60 days, just 60 days तुम्हें मुझसे दूर रहना है। तुम्हारा मोबाइल दो। मेरी यादें भी किसी भी तरह से तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे प्यार के बारे में किसी को नहीं बताना, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन क्यों? वरना कोई भी समझदार लड़की तुम्हारे करीब नहीं आएगी। यहाँ का वजूद तो डिलीट कर दिया तुमने, लेकिन यहाँ का क्या? That is a challenge. इन 60 days के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में मैं ही रही तो तुम जो कहोगे मैं करूंगी, पर ऐसा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। वो कैसे? तुम जिसे भी चाहो उसे भूल सकते हो तारक। तुम्हें अपनी जान समझने वाले अपने दादाजी को भूलकर तुम 22 सालों से यहाँ जी रहे हो ना। मुझसे मिले तो तुम्हें 1 ही महीना हुआ है, मुझे कैसे नहीं भूलोगे? वेरी फनी।
तुम जिसे भी चाहो उसे भूल सकते हो तारक। तुम्हें अपनी जान समझने वाले अपने दादाजी को भूलकर तुम 22 सालों से यहाँ जी रहे हो ना। मुझसे मिले तो तुम्हें एक ही महीना हुआ है, मुझे कैसे नहीं भूलोगे। वेरी फनी। हेलो दादाजी, मैं पहचान गया बेटा, तूने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या बात है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? कुछ नहीं दादाजी, मैं वो मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। क्या बेटा, तू मुझसे मिलने आ रहा है? तू मेरे पास आ रहा है? ए, मेरा तारक मुझसे मिलने आ रहा है। हे भगवान, तेरी जय हो। सुनो, हम लोग एरोप्लेन के पास नहीं जा सकते क्या? हमारे देश में अभी इस तरह की सुविधा लोगों को नहीं दी जाती। बाबूजी। हाँ? नमस्ते। सरला, तुम कैसी हो? तारक कहाँ है? आया है ना। पर कहाँ है वो? आपके पोते को आपको ही पहचाना होगा। दिल को दिल से राह होती है, खून को देखते ही खून में लहर उठती है। मैं उसे जरूर पहचानूंगा। की नजर किसी की भी नजर ना लगे। हमारे घर आने वाले हर मेहमान की आरती उतारना हमारी संस्कृति है। ये तो यूरोज है, अब इसे मैं कहाँ एक्सचेंज कराऊँ? हाँ? अच्छा छोड़ो, बहुत सालों के बाद तुम घर आए हो, दाया पैर आगे करके अंदर आ जाओ। ये दादाजी वहाँ देखो। हाँ? अरे अभी तो ये तस्वीर तारक के साथ एयरपोर्ट पर ली थी, इतनी जल्दी लग भी गई। कैसी लगी? अरे दादाजी टेक्नोलॉजी। वो तुम्हारी बचपन की तस्वीर है तारक, तुम्हें देखने की खुशी में मैं इनका परिचय करवाना भूल गया। रविंद्र, एक बेटे की तरह इसने मेरे जितने भी बिजनेस है उन्हें संभाला है और परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। वेलकम होम। हेलो सर। ये अपने रिश्ते में ही है, इससे तुम्हारे पापा की शादी
लक्ष्मी इसी घर में रहती है। नमस्ते, मैं एक मिनट में आई। कंटिन्यूइंग, ये नागेंद्र हैं, रविंद्र अंकल के छोटे भाई, और ये है इनकी बीवी, किचन क्वीन, साक्षात अन्नपूर्णा देवी हैं ये। नमस्ते। खाना बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डाले बिना चटपटा खाना बनाना तो सिर्फ इनको आता है। इनका नाम है शरद, रविंद्र अंकल का बेटा, और ये जो है रविंद्र की प्यारी बीवी श्रुति, नेक्स्ट जनरेशन प्रतीक प्रतीक्षा, ये दोनों इनके प्यार और संस्कार में पले बड़े हैं। गो गो गो, अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। अंकल, आपकी हाइट इतनी है कि हमें सर उठा के देखना पड़ रहा है। अब हाइट बराबर है ना? सबका इंट्रो हो गया? आपने सबका इंट्रोडक्शन तो ले लिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इंसान तो अभी भी बाकी है। क्या मतलब? मेरा? ओ, सॉरी, बोलो। मेरा नाम स्नेहा है, दादाजी के गार्डन में काम करने वाली रमैया जी की बेटी हूँ। खून का तो कोई संबंध नहीं है मेरा। ऐसा क्यों कह रही है बेटी? कभी कभी मुश्किलों के दौर में खून के रिश्ते भी उसे नहीं बचा पाते, बाहर वालों के खून की जरूरत होती है, और तुम भी हमसे ही हो। इसके पूरे परिवार के लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। मेरी सेहत की देखभाल के लिए इसने अपनी पढ़ाई ही बीच में रोक दी। ओह, ग्रेट। इसका एक और नाम है कवित्री मैडम। किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में ये कविता की पंक्ति ना जोड़े तो इसका कुछ नहीं होता। तारक, हा? अपने पूरे परिवार को तुम इस फोटो में देख सकते हो। अब और एक जन है। हा? आंखें मीनाक्षी, चेहरा कमल, ओह शेर जैसे बाल। क्या मतलब? वेस्ट। वो तुम हो। बॉस, मैं उसके कमर की बात कर रहा हूँ। क्या लचक है, मुझसे पटेगी या नहीं पटेगी? पटेगी, पटाने के लिए मैंने तुम्हें एक फर्स्ट क्लास आइडिया दिया है ना, इसीलिए तो मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए, समझा? खामोश बैठेगा तो कुछ नहीं होगा, धागा हिलाएगा तो ही पतंग उड़ेगी, उड़े बिना अगर फट गया तो कैश बैक। ओ बॉस, जा जा। हाथ मेरा छोड़ो, कमर मेरी छोड़ो, कहीं मैं ब्लास्ट ना हो जाऊं। ए, तुम कोई बॉम हो क्या, ब्लास्ट होगी? अरे ये तो रोमांटिक सॉन्ग है। क्या बात है, मतलब काम बन जाएगा। वरना इस बंदर जैसे चेहरे पर थप्पड़ लगाए बिना मैं छोड़ती हूँ। ऐसा है तो फोन नंबर दो, बात करते रहेंगे आपस में। जब फाइनली बेडरूम में ही जाना है तो चलो अभी चलते हैं। ये क्या, कॉल करने के लिए बोला तो कॉल गर्ल की तरह बात कर रही है तू? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी ऐसी है तो फिर वो बॉस? वो हमारा बेटा अभिषेक है। अभी माँ, अपने पिताजी को तुमने कहाँ तक वीडियो दिखाया बता? पापा आपको देखने आते हैं ना, वहाँ तक, मगर आपका चेहरा नहीं दिखाया। ये है दादा का रिश्तेदार, नाम है जवाब, लेकिन सुबह उठते ही इसके दिमाग में सवाल आते हैं। कार एक्सीडेंट के बाद ये सब कुछ भूल चुका है, लेकिन तब तक कैसे सब कुछ याद है? पता नहीं कैसा दिखता हूँ मैं। कहीं भी जाओ एक वीडियो कैमरा वाला साथ में होना चाहिए। जिंदगी है तो उसमें नौरस होनी ही चाहिए, इसीलिए उसकी लड़की देख के शादी भी करवा दी, और उसका सबूत है ये वीडियो कैमरा। अरे बाप रे, ये कौन है? हेलो, है मैडम, यहाँ क्यों सोई हो? एक मर्द के कमरे में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मुझसे शादी करने के बाद मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ ना, मैं एक और आप एक मिलजुल के तीसरे के बनने का रास्ता बनाएंगे। तीसरा राजा? अभी इसका मतलब मैं नहीं समझा सकती। ये है अभिषेक, जो इस भूल भुलैया का बेटा है। कहाँ हूँ मैं? ए, कौन है मैं तू? क्या है? कौन है तू? पापा रुको, टीवी टीवी देखो। टीवी क्यों चलाया तूने? और सुबह इसकी शादी हो चुकी है, ये सब याद दिलाने के लिए ये वीडियो चलाना पड़ता है। अरे मेरे बेटे, आजा मेरा बच्चा। ये सब पता होने के बाद भी शादी की है, ग्रेट। अरे बाबा, मैं सच बताऊं तो अगर मैं नॉर्मल आदमी से शादी करती तो जरा सा भी झगड़ा होता तो वो दिल में रख के पूरी जिंदगी टॉर्चर करता, लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं है, हर सुबह वो क्लीन स्लेट जैसा है। वो स्लेट मैं ही लिखता हूँ, मेरे पिता के लिए मैं ही लॉर्ड ब्रह्मा हूँ। अच्छा, ये लड़का कौन है?
इस घर का पोता है। आ, वीडियो में तो दिखता नहीं है ये। वो वीडियो आपको कल दिखाता हूँ। तारक, अरे दादाजी खिलाइए। एक्चुअली मैं ट्रैवल करके थोड़ा थक गया हूँ, और वैसे भी आप सबको अपने अपने घर भी जाना होगा, तो हेलो, हम यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है, तुम यहाँ नए आए हो। गुड बेटा, इसे ही संयुक्त तो परिवार कहते हैं। ये हमारी जॉइंट फैमिली है। सॉरी, मैं नहीं जानता था। कैसे जानेगा तू? यस दादा, नो दादा, हूँ दादा, हूँ दादा, वो भी जब मैं फोन करता था तब। कोई बात नहीं, अब तो तू यहाँ पर आ गया है ना, धीरे धीरे सब जान जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इतने सालों तक आपने मेरे पोते की देखभाल की है, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? अरे अरे बाबूजी, आपने कितने लोगों की जिंदगी बनाई, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी, लेकिन अब सब कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी लाइफ में एंट्री लेकर तुमने इसे अजीब सा ट्विस्ट दे दिया है। आई मिस यू मीरा। गुड मॉर्निंग। तारक सर, प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। नमस्ते सर। ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हुआ सैंपल है, इसे एक बार देख लीजिए। मसाले के इंग्रेडिएंट में कड़ी पत्ता कम है, उसे मिक्स करके प्रोडक्शन में भेजो। ओके सर। स्वाद जुबान से होते हुए पेट तक जाता है, पर वो दिल को भाना चाहिए, वो बेसिक क्वालिटी है, उसमें हमारे बाबूजी एक्सपर्ट हैं। आप लोग बैठिए। बिल्कुल नहीं बेटा, सब कुछ मेरे पिताजी ने सिखाया है। 100 साल पहले उन्होंने 180 रुपए से कंपनी की शुरुआत की थी। मेरे बेटे ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बिजनेस को आज यही लोग चला रहे हैं। हमें अपना काम प्रेम और श्रद्धा से करना चाहिए, भरोसा जितना ही मुख्य उद्देश्य हो, ये हमें बाबूजी ने सिखाया है। जब तक सीखने वाले लोग हैं, सिखाने वाले भी हैं। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, मेरा पोता यहां आया है, मेरा अपना खून, मेरा वारिस आया है। आज से यहां की सारी जिम्मेदारी ये लेगा। जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरह आप लोगों को इसे सपोर्ट करना है। आज से इस कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इसकी है। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब हम अपनी जिम्मेदारी नए जनरेशन को देकर अपनी फैमिली के साथ आराम से जी सकते हैं। हमेशा बेटे की जिम्मेदारी को रविंद्र ने निभाया है, अब आज से इसे मेरा पोता निभाएगा। तारक, तारक क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे आ गए? दादाजी प्लीज, आप ऐसे बड़े सपने मत देखिए। लेकिन हुआ क्या बेटा? मैं आपका खून हूं, लेकिन मैं ये कंपनी संभालूं क्योंकि मैं वारिस हूं, ये झूठ है दादाजी। आप तो बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि शायद मुझसे पूछना चाहिए? यही गलती आपने पिताजी के बारे में की थी। बच्चों को पैदा करके बड़ा करने के बाद अपने बुजुर्गों की बातें सुनना, ये उनका कर्तव्य है। माँ बाप के सपने अलग होते हैं और बच्चों के सपने अलग होते हैं। दादाजी, मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने आपके साथ रहने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, ये क्या कह रहे तू? वहाँ क्या है? यहाँ पर तेरा दादा है, तेरा पूरा परिवार है, सरला है, अपनी कंपनी है, ये सब छोड़कर तू वापस चला जाएगा? हाँ,
वहां ऐसा क्या है? पापा और मेरी माँ, जो सब मैं चाहता हूं, जिससे मुझे प्यार है, सब कुछ वहीं पर है। Are you missing him? Missing him like mad. उसके साथ झगड़ा भी तो तुमने ही किया ना? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो अपने दादाजी के पास नहीं जाता। पागल लड़की। जो मैंने खोया था मुझे वापस मिल गया है, ये सोचकर बहुत खुश था। लेकिन उसे यहाँ आकर 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी तक वो यहाँ घुला मिला भी नहीं है। ऐसे में उस पर जिम्मेदारी डालना। बाऊजी, आपका अगला वारिस तारक ही है, आप चिंता मत कीजिए। वो यहाँ पर आप सबके साथ खुशी खुशी रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। एक मिनट, तुम सबकी सिर्फ उम्र बढ़ी है, दिमाग किसी का भी नहीं बढ़ा है। सुबह उठकर जब तक वीडियो नहीं देखते तब तक तो आप किसी को पहचानते भी नहीं। Shut up. You shut up. तुम्हारा दिमाग बड़ा है ना? बताओ मुझे क्या करना है। तारक की जो पैदाइश है वो फॉरेन की है, सो उसे वहाँ की लाइफ स्टाइल जम चुकी है, सो हम लोग वहाँ की लाइफ स्टाइल को यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। इंसान जब बेवकूफ हो तो उसे आइडिया नहीं देना चाहिए, समझ गए? अब तो जल्दी भूतनी। भूतनी दरवाजे से बाहर जाती है तो खिड़की से अंदर भी आ जाती है। अभी मुझे क्या करना है ये बताओ। प्रेजेंटिंग मिस्टर तारक राम न्यू मॉडल। सुपर दादा। दादाजी ये सब क्या है? मैं तुम्हारी उम्र को जीना चाहता हूँ, मतलब यूथ्स के जैसे। ये सब मेरा आइडिया है। तो क्या आप यंग हो गए हो? और नहीं तो क्या, उम्र 28 की विद 50 इयर्स एक्सपीरियंस। एक्सक्यूज मी सर, योर ऑर्डर प्लीज। तारक, ड्रिंक्स लेते हो ना तुम? हाँ दादाजी, लेकिन तो ऑर्डर करो ना आपके सामने। सरला जी को पता चल गया ना तो वहाँ वैक्यूम क्लीनर, लेकिन यहाँ पर झाड़ू से पिटाई करेंगी मेरी। पता चल गया है, सरला ने अच्छी परवरिश की। इन सबको फ्रूट पंच दे दीजिए। फ्रूट पंच? मैडम आपको? और इन्हें रामनवमी वाला गुड़ पानी दे दो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रूट पंच मांगती है, फ्रूट पंच। इनको ऐसे छोड़ दिया तो जनरेशन गैप नहीं जन्म जन्मांतर का गैप हो जाएगा। है एक मिनट, स्टॉप। क्या बात है सर, बताइए मुझे। इस फ्रूट जूस में थोड़ी सी विस्की मिक्स करनी है। हेलो, उन्हें पता चल गया तो जानते हैं। मिर्ची पाउडर और चटनी की सुगंध जो लेते हैं उन्हीं को पता चलेगा। मिक्स करो। नहीं होगा सर। करो सर। नहीं होगा। नहीं होगा? कौन बोल रहा है कि नहीं होगा? ब्रस्ट वेटर। इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ फ्रूट पॉल्यूशन फ्री है और यहाँ पर फ्रूट में पॉल्यूशन फ्री है, इसलिए टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। ये तो बहुत टेस्टी है। स्नेहा एक और बोलो बेटी। दादाजी स्नेहा मैडम, ये बात हमारी सरला मैडम को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना दिन दहाड़े मेरी पिटाई कर देंगी। ठीक है, ओके, मैं जाकर सोती हूँ। गुड नाइट। मेरी दवाई? आज आपकी दवाई आपके नए फ्रेंड देंगे। गुड नाइट। मुझे भी तेरे जैसे बनना है, तेरा दोस्त बनना है। तेरे बारे में मुझे सब कुछ जानना है। मेरे बारे में? तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हें जानने वाले प्यार बांटने के लिए तुम्हारा इंतजार करते हैं, और उनका प्यार लेने के लिए दिल होना चाहिए। ठीक है दादाजी। Cheers. Friends? Friends. पापा, वहाँ पर क्या चल रहा है? वो कलर वाटर दादा पोते के संबंध को एकदम मजबूत बना रहा है। आप क्या मेरे संबंध को मजबूत नहीं बनाएंगे? वो
आर्थिक हाँ, सामाजिक हाँ, अनैतिक हाँ, संबंधों को मजबूत बनाता है। बहुत दुख होता है बेटा, समुद्र के बीच में रहते हुए भी अगर प्यास लगती है तो पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलता। यहां पर सब कुछ होते हुए भी तेरा पापा मुझे छोड़ गया, क्यों किया ऐसा उसने? दादाजी, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं या पिताजी के बारे में? ठीक है, मैं चाहता हूं। तूने पढ़ाई लिखाई कितनी की है? इंजीनियरिंग करके बिजनेस मैनेजमेंट किया था। क्या बात है, तेरी पढ़ाई लिखाई भले ही वहां पर हुई हो लेकिन तू हिंदी बहुत अच्छी बोलता है। दादाजी, वहां की हवा जरूर विदेशी हो लेकिन शरीर में खून हमारा देसी है। शाबाश शाबाश। बेटा बेटा, मुझे और हा? भी चाहिए बेटा। पापा पापा आप थोड़ा सब्र करो पापा। तेरी कंपनी का नाम क्या है बेटा? P&M गेमिंग सॉल्यूशंस। P&M इसका मतलब पापा मम्मी। ऐसा क्यों, दादा की याद नहीं आई तुझे? क्या दादाजी, तारक राम ये नाम मुझे आप ही से तो मिला हुआ है ना। अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगा के तुझे बहाना मिल गया ना अपने पापा को बचाने का? फिर से शुरू हो गए। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा। तेरी कंपनी में कुल कितने लोग काम करते हैं? कुल मिलाकर यही कुछ 70-75 लोग होंगे। ओह, काफी हैं। और लड़कियां? क्यों? बस ऐसे ही। ये बता, किसी लड़की से प्यार हुआ तुझे क्या? अब आए ना पॉइंट पर। अपने फ्रेंड को नहीं बताएगा क्या? हमारे प्यार के बारे में किसी को नहीं बताना, तुम्हें मेरी कसम। नहीं दादाजी, मैं किसी से प्यार नहीं करता। हे, हे, तू शादी तो करेगा ना? क्यों नहीं करूंगा दादाजी। अच्छा, किस तरह की लड़की तुझे पसंद है? लड़की इंडियन होनी चाहिए और उसे बड़े परिवार भी पसंद होने चाहिए। चीयर्स। तू बिल्कुल सच कह रहा है ना? अरे आपकी कसम। दादाजी, सब रूम्स लॉक हो गए हैं, अब मैं कहाँ सुसु करूँ? इस गैप में सुसु कर देता हूँ। परमानंद। आज तो मेरे नसीब खुल गया। पब में भी दारू, घर में भी दारू, हर जगह दारू की बारिश हो रही है। लेकिन ये थोड़ा नमकीन था, अब लगता है बारिश रुक गई। हमारे कुल देवता रंगनाथ स्वामी का 12वीं शताब्दी का मंदिर है ये। तुम्हारे पापा का नामकरण यहीं पर हुआ था। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ एक बार यहाँ आकर दर्शन कर लो। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। कौन? अरे वही बचपन में दादाजी के जो भाई खो गए थे ना, वो चप्पल स्टैंड पर बैठे हुए हैं। एक मिनट, चलो चलो बाबा। अरे चलो ना। चलो, चलो, चलो। सरला जी, ये दादाजी क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हारे लिए जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद तुम्हारा खाना पीना तबियत की बातें 10 बार मुझे फोन करके पूछते थे। ही इज अ ग्रेट मैन। स्कूल के बाद हायर स्टडीज के लिए दादाजी ने मुझे यहाँ बुला लिया था। इतनी चिंता करते हैं कि उनकी तबियत खराब हो गई थी। बात करते करते एक दिन बोले, बेटी मुझे एक ग्लास पानी देना। मैं उनकी पोती की उम्र की हूँ पर मुझे बेटी का स्थान दिया। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब यहीं रहकर जिंदगी भर दादाजी की सेवा करूंगी।
चलो जगह दो, जगह दो, हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो, अरे बीच में से हटो, हटो जाओ ना, रास्ता दो। दिखाई नहीं देता क्या? नहीं दिखाई देगा तो क्या कर लेगा? ए, ये इस एरिया के एमएलए है। एमएलए ही है ना, भगवान तो नहीं है ना? भगवान ही हूँ, 2,25,000 लोगों के लिए भगवान हूँ मैं, इसीलिए मुझे जननायक बोलते हैं। हाँ तो बताऊँ क्या? ठीक है ठीक है, आप लोग जाइए जाइए प्लीज जाइए। आ बेटा आ जा। यजमान। ओ पुजारी जी, पहले यहाँ बाद में वहाँ, हमारी आंखों के सामने ऐसा नहीं हो सकता। वो शहर से आया तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे क्या? मैं कौन हूँ जानते हैं ना पंडित जी? जी यजमान, पहले उनकी पूजा करवा दीजिए। गुंडे लोग एमएलए बनेंगे तो यही सब होगा। स्नेहा चुप रहो। लीजिए तारक। बेटे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और सारी इंद्रियां काम करती हैं सांस की वजह से, और तुम अपने दादाजी की सांस ही हो। चलते हैं पंडित जी। बाबू जी आजकल खुश रहते हैं। स्नेहा तारक जो तारक कहाँ गया? लगता है अब तक भगवान से कुछ मांग रहे हैं इसलिए अब तक अंदर ही हैं। भगवान, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मेरे दादाजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बस आप उन्हें जिंदगी भर खुश रखिए, यही चाहता हूँ। क्यों रे लड़की, तूने अंदर क्या कहा था? गुंडे लोग एमएलए बनेंगे तो ऐसा ही होगा। सीनो, इसे उठा कर ले आ, देखता हूं मेरा कौन क्या करता है। खुद ही ऊपर जाने की तैयारी में है,
फिर इनको ऊपर कौन भेजना चाहता था? हेलो, क्यों सर? वो लोग कौन है? क्यों अटैक किया? इंक्वायरी के बिना आप लोगों ने उसे छोड़ दिया? मैं डीसीपी से बात करता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, आखिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बाबूजी आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। सुनो तुम लोग जाओ, इन्हें रेस्ट करने दो। नमस्ते सर। सर दादाजी मैंने टेस्ट किया है, मसाले में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्शन में जाने से पहले चेक करो। ओके सर। क्या हो गया था बेटा तुझे, जो इस तरह से सबसे लड़ पड़ा? बाबूजी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अरे मदर इंडिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तारक तुमने देखा रविंद्र किस तरह से पुलिस वालों पर भड़क गया था? अगर मुझे जरा सा भी कुछ हो जाए तो वो सह नहीं पाता। मेरा अपना बेटा भी मुझे इतना प्यार नहीं करता। तारक आपको एक बात पता है क्या दादाजी? आपका सीक्रेट, हर साल आपके जन्मदिन पर दादाजी आपके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। ये देखिए, देखो क्या है ये दादाजी? मैंने सोचा था लड़की होगी। ये भी देखो। ये इस साल का है, पहन के देखो। ये क्या दादाजी, ये तो कितना लूज है। क्या करूं बेटा, मैंने सोचा सरला तुम्हें खूब खिलाती होगी और तुम खूब मोटे हो गए, यही सोच कर इसे लाया था। अच्छा तो मुझे एयरपोर्ट पर आपने कैसे पहचान लिया? खून का संबंध है ना, अपने आप ही पता चल जाता है। मेरा बेटा तो मेरा सपना नहीं पूरा कर पाया, उम्मीद है ये जिम्मेदारी तुम उठाओगे। आप ही ने कहा था दादाजी कि किसी को खून देकर उसकी जान बचाने वाला खून का संबंध रखने वाले से बड़ा होता है, तो ये जायदाद ये सब कुछ संभालने के लिए आपको अपना ही खून क्यों चाहिए? ऐसा नहीं है बेटा। तो कैसा है, दादा का पोते को बाप का बेटे को ऐसी ही सोच रही तो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। सांबर पाउडर में नमक थोड़ा ज्यादा है, ये जैसे ही उसने चुटकी बजाते ही पहचान लिया तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। आपके कंपनी के नेक्स्ट एमडी स्नेहा को होना चाहिए, मुझे नहीं। स्नेहा मैडम कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। दादाजी आप आराम कीजिए, बाद में मिलता हूँ। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं तारक को समझा दूंगी। मेरे पोते के बारे में तेरी ओपिनियन क्या है? और क्या होगी दादाजी, आपका पोता इतना डेयरिंग है, स्मार्ट है और डायनामिक है, अपने सबनों की इज्जत करता है, ही इज अ कंप्लीट मैन। मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी आपस की ही किसी लड़की से हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, इससे शादी करने के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, इसके बीवी बनने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगी। और तुम? हाँ? मैंने पूछा तुम? दादाजी मैं देख रहा हूँ वो जब से यहाँ पर आया है तुम्हारे साथ उसका वक्त बहुत अच्छी तरह बीत रहा है, तुम्हारे साथ हंसता है बोलता है और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जो गलती उसके पापा के साथ हुई है वही गलती मैं दोबारा नहीं चाहता, इसीलिए मैंने इससे पूछा था तुझे कोई पसंद है, तो इसने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे इंडियन और संस्कार वाली लड़की ही पसंद है। अब उसे तुम जैसी संस्कारी लड़की और कहाँ मिलेगी? आप भी ना दादाजी। मैंने तुमसे कुछ पूछा बेटी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। दादाजी जब कोई किसी को एक भूल देता है तो दूसरा बहुत खुश होता है, लेकिन आप तो पूरा का पूरा बगीचा ही दे रहे हो। One second. सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होती जा रही है, पर तुम अच्छी तरह हैंडल कर रही हो। हर किसी की फैमिली में टेंशन और प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, पर उन सबको मैनेज तो करना होता है। बाय द वे ये सब सिर्फ हमारे देश में होता है हाँ? क्योंकि हमारे ही देश में सब एक साथ रहते हैं। एक मिनट।
कौन है ये बच्चा जो हमारे घर के सामने बैठकर रो रहा है? कौन हो तुम बच्चे? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रो रहे हो बेटा? एग्जाम्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं। अच्छा? डैडी ने इस रिपोर्ट कार्ड पर साइन नहीं किया, इसलिए स्कूल में मुझे बहुत मार। क्या? स्टूडेंट को मारा? ये तो घोर अपराध है। चलो स्कूल चलते। अच्छा हुआ आप आ गए, बैठिए ना। सामने क्यों बैठूं? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। बगल में क्यों बैठूं? तुम्हारा पति नहीं हूँ। गोद में भी क्यों बैठूं? तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ मैं। इज्जत से बात कीजिए। किसे दूं मैं इज्जत? बच्चे को माँ बाप मारते हैं वो एक क्राइम है, और ऐसे में आपने बच्चे को हैरेस किया है, मेंटली टॉर्चर किया है उसे। सर कॉफी लेकर आओ। अभी लाता हूँ। मुझे कोल्ड ड्रिंक। ओके ओके। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ खड़े रहो। देखिए आप इसके बाप हैं इसलिए हम लोग चुप हैं। कौन है बाप? आपका बाप हूँ या इस बच्चे का बाप हूँ? बेचारी इसकी माँ ने पता नहीं किसके साथ शादी कर रखी है। ऐसे बच्चे के ऊपर आपने हाथ कैसे उठाया? अब दिखाता हूँ मैं अपना। हमने इसे मारा ही नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अपने बाप को वीडियो कहाँ तक दिखाया था तूने, बता जरा। रिपोर्ट कार्ड पर साइन करने के लिए आपकी शादी तक ही दिखाया है वीडियो। अब बस करो माँ। हमें माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ जो प्रिंसिपल को हाथ नहीं लगाया। सामने से देख के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। एक मिनट, तुमने कहा क्या था और किया क्या, ये ठीक नहीं लगा मुझे। भैया अब आप कुछ मत बोलिए। 20 सालों से हम लोग उस बूढ़े की सेवा करते आ रहे हैं, और आज वो दूसरे को अपना उत्तराधिकारी बना रहा है। कहीं उस तारक का मन बदल गया तो? ये मोबाइल गेम्स एक बार खेलना शुरू कर दिया तो फिर छोड़ने का दिल ही नहीं करता। तुम तो कह रहे थे फील्ड में पुराने हो, लेकिन तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तुझे अपनी आवाज और आंखें नीचे रखनी चाहिए। अगर ऊपर उठाएगा तो सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। मुंबई से आया हुआ शार्प शूटर है वो। उस लोकल एमएलए की वजह से अपना प्लान चौपट हो गया। अगर मैंने कमिटमेंट की है तो उसे जरूर पूरा करूंगा। जिस तरह तुम लोग उस बूढ़े के साथ डबल गेम खेलते हो, अगर मेरे साथ भी खेले तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो काम तो मैं करूंगा। ये तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। कौन है रे तू? तारक राम, लेकिन सभी प्यार से तारक कहते हैं मुझे। उस दिन मंदिर में जब फायरिंग हुई तभी मुझे शक हो गया था। दादाजी के सामने तो उनके बेटे से भी ज्यादा करीबी होने का ढोंग करते हो। वैसे इतना प्लान बनाने की अकल तुम लोगों में कब आई? बचपन से ही थी या इस कमीने से मिलने के बाद ये हरकतें शुरू की? दादा या पोता दोनों में से अगर एक भी मरेगा तो अपना काम पूरा हो जाएगा ना? सही बोला तूने, मैं बहुत बड़ा कमीना हूं। क्या कर लेगा तू? पागल है क्या? मैं मुंह से बात कर रहा हूं और तू हाथों से बात कर रहा है? नो डिस्कशन, ओनली एक्शन।
मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि आज की दुनिया में जीने के लिए जमीन जायदाद दौलत ही सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें कोई महत्व नहीं दिया। जीने के लिए धन दौलत जायदाद कोई महत्व नहीं रखते। मेरे लिए अगर कुछ महत्व रखता है तो वो है मेरा भरोसा, और उसी भरोसे को तुम लोगों ने आज तोड़ दिया। तारक राम कंपनी और जायदाद की वैल्यूएशन आज 392 करोड़ रुपए है। यह बंगला 12 करोड़ का, ऑफिस 13 करोड़ का, फैक्ट्री होगी लगभग 126 करोड़ की, तैयार प्रोडक्ट और गोदाम की वैल्यूएशन 28 करोड़, मार्केट में हमारे बिजनेस का बकाया है 45 करोड़, तुम सब लोगों के नाम पर खरीदी हुई प्रॉपर्टीज है 153 करोड़ की, गहने आभूषण 9,56,00,000 रुपए के, गाड़ियों की कीमत 6,82,00,000 रुपए। सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। लो पढ़ो इसे। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, इनकी बातों में आकर मैंने ये बुरा काम किया, माफ कर दीजिए। आप हमेशा कहते रहते थे तुम सबने मिलकर कंपनी को बढ़ाया है, और हम उसी से जी भी रहे थे कि अचानक आपका पोता आ गया बाबूजी, और आप इसे अपना वारिस बनाने जा रहे थे, तो हम लोग बहुत डर गए बाबूजी। हम सब रास्ते पे आ जाएंगे ये सोचकर हमने ये सब किया दादाजी। तो अपना मुंह बंद रख, हमें माफ कर दीजिए। माफी देने की बात ही नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए तुम लोग मेरे साथ हो पता चल गया। जाओ जाओ यहां से बाबूजी, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। दादाजी इनकी गलती को माफ कर दीजिए। बाबूजी ये लोग दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। सुनिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन लोगों के मन में मैल है। इन लोगों की गलती की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? गलती तुम लोगों की नहीं है ये मुझे पता है, मगर करूं तो क्या करूं, तुम्हारे पति लोग ही ऐसे हैं, ये लोग जहां पर भी रहेंगे तुम्हें रहना ही पड़ेगा। जाओ जाओ। ऐसा मत कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इस घर में किसी के लिए जगह नहीं है, मुझे माफ कीजिए, जाइए जाइए। दादाजी हमें क्यों जाने बोल रहे हैं? दादाजी ये हमारा घर है ना? ये आप ही का घर है बेटा, आप ही का घर है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। इस घर से कोई नहीं जाएगा, सब अपने अपने रूम में जाएंगे। सुन लिया सब लोगों ने? भूलने वाली बीमारी जो तुझे है, अगर भगवान ने मुझे दी होती तो कितना अच्छा होता कि मैं सब कुछ भूल जाता। तारक मैंने सही किया ना बेटा, बच्चों के सवाल का मैं क्या जवाब देता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, उनकी बातें दिल में चुभ गई। ये लोग कितनी भी गलती क्यों ना करें, आखिर हैं तो अपने ही ना। सही किया आपने दादाजी, कम से कम आपका दिल इतना तो बड़ा है कि इन्हें माफ कर दें। मेरे माता पिता के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने किसी से वादा किया था। वो आपका दिया हुआ वादा था ना, जिस दिन पिताजी ने मां से प्यार करना शुरू किया था वो बात सबसे पहले उन्होंने इन्हीं को बताई थी।
वो सब मुझे नहीं पता। उसने गलती की थी। बरसों बरस से कमाई हुई प्रतिष्ठा को ठोकर मार और सारे वादों को भुलाकर अगर वो बदल गया तो मैं भी बदल जाऊं क्या? इतने सालों तक मैंने अपनी घड़ी तक नहीं बदली है। अच्छा, मुझे यहाँ रखने के लिए, मेरा दिल जीतने के लिए हमेशा लुंगी शर्ट पहनने वाले आप सूट पहनकर मेरे साथ पब नहीं आए थे? आपको एक बात बता दूं दादाजी, आप जब चाहें तब बदल जाते हैं। अगर उस दिन आपने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज मैं माता पिता के साथ आपके सामने खड़ा होता। क्या मतलब? तेरे माँ बाप की मौत का कारण मैं हूँ? जी हाँ, आप ही हैं दादाजी। तारक, ये क्या कह रहा है? आज मत रोकिए सरला जी, आज तक दिल में जो दर्द भरा था उसे निकलने दीजिए। वो एक एक्सीडेंट था बेटा। हाँ, हो सकता है, लेकिन उस दिन इतना दुखी होकर जब वो घर से बाहर निकले थे तो उसकी वजह क्या थी? आपकी की हुई बातें ही। आप हर साल मेरे जन्मदिन पर फोन करते हैं लेकिन मैं वो कॉल रिसीव नहीं करता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे माँ बाप का श्राद्ध होता है। मेरा जन्मदिन और मेरे माँ बाप की मौत दोनों एक ही दिन हुए थे। आप आज तक मेरे पिताजी पर इतना गुस्सा है कि उनकी तस्वीर तक बाहर नहीं रखते, उसे वार्डरोब में छुपाते हैं। और मेरी माँ को, उसे आपने बहू कभी माना ही नहीं। दादाजी, आप हमेशा मुझे ये फोटो दिखाते रहते हैं। दिस इज माई फैमिली कहते हैं। परफेक्ट, दिस इज योर फैमिली। यहां पर मेरे होने का, मेरे माता पिता के होने का कोई चांस ही नहीं है। बाबूजी, दादाजी, तुमसे जरा बात करनी है बेटा। जब मैं छोटी थी तभी ही मुझसे कह दिया गया था कि ये तुम्हारा पति है और मैंने अपने मन में मान भी लिया। दादाजी को मैं कभी तुम्हारे पिताजी के प्यार के बारे में नहीं बता पाई। मैंने सोचा हमारी शादी अगर जबरदस्ती भी करवाई गई तो समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। उससे पहले ही तुम्हारे पिताजी ने किसी और से शादी कर ली। दादाजी! हाँ? दादाजी! तारक, दादाजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये क्या हो गया? बाबूजी! दादाजी! 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 आंखें खोलिए। कोठे में ऑक्सीजन ना, दवाइयां सब ठीक से दे रहे हैं ना? हाँ डॉक्टर। तो फिर इतना मेजर कैसे हुआ? डॉक्टर, घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तो उसी टेंशन में। इट्स मैसिव हार्ट अटैक। ऑपरेशन करने की भी उम्र नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी जिंदगी सिर्फ 10 या 12 दिन बची है। घर ले जाइए और उनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई रास्ता नहीं है बाबूजी को बचाने का? एज ए डॉक्टर मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, बट एज ए वेल विशर, जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी। टेक केयर ऑफ हिम। बात बात पर मेरे माता पिता की मौत का कारण दादा है कहता था ना तू? वहां से यहां आकर तूने क्या किया? तारक,
तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। तारक, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे माता पिता की मौत का कारण। उससे मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने। मुझे आप जैसा मन्नत मांगना तो नहीं आता, पर आपको खुश रखने के लिए मुझे क्या करना होगा बोलिए। डॉक्टर ने कह दिया है क्या ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बिजनेस संभालूं? उसके लिए स्नेहा है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बस तू स्नेहा को संभाल ले बेटा। स्नेहा, मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूं और वो भी मान गई है। तूने भी कहा है कि तू किसी को प्यार नहीं करता। तेरे पापा की शादी तो मैं नहीं कर पाया बेटा, लेकिन तेरी शादी अगर मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर मैं स्नेहा से शादी करता हूं तब तो आप खुश रहेंगे ना। अरे देखिए, एक्साइट मत हो जाइए। बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप रिलैक्स कीजिए। I love मीरा। मीरा? मेरे यहां आने की वजह ही वो है। मैं मीरा को दिया हुआ वादा तोड़कर तुम्हें यह सब बता रहा हूं। दादाजी ने जो भी कहा है उससे अपने मन में कोई गलत फहमी मत रखना। मैंने तो हाँ कर दिया सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए, ताकि उन्हें ठेस ना पहुंचे। तो अब नाटक ही करना है ना, मैं कर लूंगी। दादाजी जितने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही मेरे लिए भी हैं। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। थैंक यू मीरा, सॉरी स्नेहा। Thanks a lot. Thank you.
अरे तुम्हारी शादी के लिए कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो। यू आर परफेक्टली ऑल राइट, सब भगवान की दया। गुड, तुम्हारे दादाजी बहुत खुश हैं बेटा। थैंक यू डॉक्टर, आपने कहा था सिर्फ 10-12 दिन जी पाएंगे, तो क्या चाहते हो, तुम्हारे दादाजी जिंदा रहें या मर जाएं? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। देखो बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी देखने के लिए उन्होंने अपनी जान को रोका हुआ है, जिसकी जितनी जिंदगी है उतना तो जिएगा ही। डॉक्टर होने के नाते इतना ही कहूंगा, मेडिकली ही इज गॉन। यहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पिताजी कहा करते थे, ये प्यार, ये संसार, इन दोनों के बीच हमें फंसना नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो अभी फंस गए हो। ऐसी बात नहीं है, मीरा ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। यहां आने के बाद दादाजी और तुम सब ने सिखाया कि एक पूरा परिवार क्या होता है। थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट आई एम हैप्पी। तो फिर इतने अपसेट क्यों हो? अब अगला मुहूर्त बहुत नजदीक है, सोचा था एंगेजमेंट करके ये सारा नाटक बंद कर दूंगा, पर अब ऐसा नहीं लगता। दादाजी फुल जोश में शादी के लिए रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट वीक मीरा को दिया हुआ वक्त पूरा हो रहा है, आई मस्ट गो। चले जाना, दादाजी तो अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, इसलिए वन डे एट अ टाइम। दादाजी, मुझे यूरोप जाना होगा। किस लिए बेटा? वहां सब ऐसा ही पड़ा है, पता नहीं क्या हालत होगी इसलिए। लेकिन यहाँ शादी की डेट फिक्स हो गई है। ओहो, ये किसी और के साथ आएंगे यही सोच रहे हैं? दादाजी, अगर मैं इनके साथ जाऊंगी तो कोई चांस ही नहीं। तू भी साथ जा रही है क्या? और नहीं तो क्या, अब क्या मैं इन्हें अकेला छोड़ने वाली हूँ? अच्छी बात है, तो फिर जाओ, लेकिन जल्दी आना। तुमने क्यों कहा कि तुम आओगी? मिस्टर तारक राम के दिलो दिमाग में जो छाई हुई है उसे मैं भी देखना चाहती हूँ। चलती हूँ। Happy? Very happy. तारक, मीरा कहाँ है? अब ऊपर है। पहले पैर, उसके बाद हाथ, अब बचा है सिर्फ ये सिर, और किसी ढोल की तरह ये भी हिल रहा है। पता नहीं ये भी कब रुक जाए। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादाजी के पास भेजने के लिए मैंने कितने सारे प्लान्स बनाए, मगर भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान्स बना कर रखे थे। तारक, हाँ
तुम्हें उस दिन मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। अगर तुम्हें अपने प्यार में फंसा कर मैं मर जाती तो तुम अपनी लाइफ नहीं गुजार पाते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे आंसू पूछना चाहती हूँ पर यह हाथ साथ नहीं दे रहे तारक। मोटोन न्यूरॉन बीमारी है ये। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। शरीर का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, नसें डेड होने लगती हैं, फिर बॉडी सुन पड़ जाती है और आखिर में लंग्स, ब्रेन, हार्ट, इन तीनों को ये बीमारी डैमेज करती है और उसके बाद उस इंसान की कहानी खत्म। तो फिर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये कितनी जिद्दी है तुम जानते हो ना। जैसे ही हमें डॉक्टर ने बताया कि वो सिर्फ 2 महीने तक जिंदा रहेगी तो ये सोच करके मैं अकेला रह जाऊंगा, उसने मेरी शादी शारदा से करवा दी और फिर तुमसे दूर रहने का नाटक करके उसने तुम्हें दादाजी के पास भेज दिया। मेरी बच्ची मीरा सबको खुश देखना चाहती है बेटा। अपनी ही जिंदगी में खोई हुई थी मैं, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड का स्थान दिया मीरा ने मुझे माँ बनाकर। क्या मीरा को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है? उसकी बीमारी लास्ट स्टेज पे है, वी कांट सेव हर। कभी भी, आज, कल या परसों, इट कुड बी एनी टाइम। ये स्नेहा मेरी अच्छी फ्रेंड है, दादाजी की बहुत खास है, तुम्हें देखना चाहती थी इसीलिए साथ ले आया। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरे दिल में जो डर था वो खत्म हो गया। That's love, तुम्हीं ने तो सिखाया है, तुम्हारा ही प्यार है। मेरे तारक को तुम बहुत प्यार करती हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, we are just good friends। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है अगर मैं ठीक होती ना स्नेहा तो तुम्हारी आंखें निकाल लेती। तुम्हें गाना पसंद है ना, चलो अपनी माँ के लिए गाओ। नहीं, मैं उनके पास जाकर उन्हें लाइव शो दिखाऊंगी। मीरा क्या हुआ? मीरा तारक, मीरा मुझे पकड़ो, मुझे जोर से पकड़ो तारक, मुझे कस के पकड़ो, कस के पकड़ो मुझे। माँ, माँ। मीरा, मीरा
इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरला, उस दिन इसी तरह गया था मेरा बेटा, कभी वापस नहीं आया। दोबारा उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। कहीं फिर से वैसा ही ना हो, यही डर है। दादाजी, ये लीजिए, आ गया। क्या है ये सब दादाजी? इतने सालों तक मेरे बिना जी रहे थे ना? मीठा खाने की आदत हो गई है ना? अब इस उम्र में ये शरीर कड़वा कैसे सह सकता है? क्या डायलॉग मार रहे हैं? सब कुछ झूठ था सरला जी, सब कुछ झूठ था। उसे ऐसी बीमारी है, एक बार भी मुझे बताए बिना वो मुझे छोड़कर चली गई। सरला जी, छोड़कर चली गई। यहां मेरे इसी कंधे पर अपनी जान छोड़ दी। मैं उसे बचा भी नहीं पाया। और यहां यहां दादाजी की ऐसी हालत थी, अगर उन्हें मैं ये सब बताता तो क्या सच्चाई को झेलने की ताकत उनमें थी? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं उन्हें खो दूं, ऐसी मेरी हालत नहीं है। चार दिन बाद शादी है मेरी, चार दिन में ये शादी मैं नहीं कर सकता हूं सरला जी। ये शादी रुकवाई तो उनकी उम्मीद ही मर जाएगी, और फिर वो दादाजी की जान बचाने की शक्ति तो हमें नहीं है। एटलीस्ट हम उन्हें खुशी खुशी भेज तो सकते हैं। ये एंगेजमेंट नहीं है, शादी है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? स्नेहा, ये एक शादी है, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं। दादाजी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो भगवान से कम नहीं है, लेकिन तुम पापा, उनके बहुत सारे एहसान हैं हम पर उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बलि चढ़ाओगी? हर किसी को एहसान चुकाने का मौका नहीं मिलता है माँ, लेकिन ये मौका मुझे मिला है। और अगर मैं ना कर दूं तो? मैं ये नहीं मांग रही हूँ कि तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओ, बस मंगलसूत्र को मेरे पास लाना और कुछ नहीं। उसमें गांठ बांधने का काम मेरी माँ कर लेंगी। हमें बस दादाजी के रहने तक उनके सामने एक कपल बन के रहना है। उनके जाने के बाद मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी। आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर ले। ऐसी बात नहीं है स्नेहा। ये बात बाबूजी को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। ये लोग बच्चे होकर इतना बड़ा फैसला कर लिए, तो क्या हम बड़े होकर इतना नहीं मान सकते? हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ क्या क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। Thank you.
गुजरे हुए लोग आपको याद आते हैं, लेकिन जो हमारे साथ है उनकी खुशी जरूरी है। हाइडन से खेल रहे हैं ना? आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो मुझे डर लगेगा और फिर मैं बाहर आ जाऊंगी। दिस इज चीटिंग राइट मामा? चीटिंग ही तो है यहाँ। चलो वो क्या है ना पापा, तुम्हें नहीं, तुम्हारा जो नाम है ना मीरा, पापा उस नाम को मिस करते रहते हैं। थैंक्स। क्यों? एक बहुत ही समझदार बीवी और अच्छी फ्रेंड बनने के। फ्रेंड? अब तो उससे थोड़ी ज्यादा हूँ। चले ए, वीडियो कॉल। इज इट? हाय, बोलो। देखो सब लोग इधर ही हैं। क्या बेटा, जाने के बाद तूने एक बार भी फोन नहीं किया? आकर दो दिन भी नहीं हुए, अभी से इतना टेंशन? क्या करूं बेटा, उम्र जो हो गई है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। वो हमारे फैमिली डॉक्टर जो थे ना, कल गुजर गए। ओह सो सैड। लेकिन वो तो दूसरों को 8-10 दिन का ही टाइम देते थे ना? वही तो डर है बेटा, मैं बस एक ही आशा पे जी रहा हूँ, अपनी नन्ही परी मीरा की शादी देखना चाहता हूँ बेटा। क्यों नहीं दादाजी, वो तो आप 101% देखेंगे, मुझे विश्वास है। चलो बाय बाय, से बाय बाय दादाजी। बाय दादाजी।